सौतेली माँ हेमा और बेटे बॉबी देओल का हुआ महामिलन। हेमा मालिनी संग एक छत के नीचे पार्टी करते दिखा बरार। स्टेप सिस्टर ईशा के साथ भी बॉबी ने की पार्टी में शिरकत। पहली बार सौतेली माँ के साथ दिखे बॉबी देओल। बीता साल पूरे देओल परिवार के लिए बेहद ही खास रहा। हीमैन के बड़े बेटे सनी देओल की फिल्म गदर 2 सुपरहिट रही, तो वहीं बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से शानदार कमबैक किया, जिसका जश्न देओल परिवार अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। और इन्हीं खुशियों के बीच देओल्स के बीच की दूरियां भी कुछ कम होती दिखाई दे रही हैं। भाई आखिर नए साल के आगाज के साथ साथ एक बार फिर देओल परिवार में महामिलन जो होता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, जो सालों से नहीं हो पाया और जिस पल का इंतजार कई सालों से फैंस कर रहे थे, वो नजारा इस साल के पहले महीने में ही देखने को मिल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर देओल फैमिली में ऐसा क्या हो गया है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा माजरा। दरअसल धर्मेंद्र के छोटे बेटे और बीटाउन के अबरार यानी कि बॉबी देओल पहली बार अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी और सौतेली बहन ईशा देओल के साथ एक ही छत के नीचे नजर आए हैं। मौका था सिमोन खान के बेटे की रिसेप्शन पार्टी का, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारों ने अपनी शिरकत से महफिल जमाई। लेकिन सबसे शानदार नजारा तो तब देखने को मिला जब पहली बार बॉबी देओल ने सौतेली माँ हेमा मालिनी और बहन ईशा देओल के साथ इस पार्टी में एंट्री की। भाई आखिर इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि पिछले साल सौतेले भाई सनी देओल की फिल्म गदर 2 के सुपरहिट होने पर धर्मपाजी के चारों बच्चों के बीच महामिलन हुआ था। लेकिन उस जश्न से भी धर्मपाजी की दूसरी बीवी हेमा मालिनी नदारद दिखाई दी थी, जिनकी कमी फैंस को खूब खाली थी। तो वहीं अब सिमोन खान के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में बॉबी और हेमा ने एक साथ शिरकत करके फैंस की ये तमन्ना भी पूरी कर दी है। हुआ यूं कि इस पार्टी से कई इनसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिली है, जिसमें बॉबी देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल नजर आ रही हैं। हालांकि इन तीनों की एक साथ कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि सौतेली माँ और बेटे का पहली बार इस कदर एक ही छत के नीचे मिलना अपने आप में ही बड़ी बात है। हाल ही में सिमोन खान के बेटे का रिसेप्शन हुआ था। बता दें कि सिमोन सुजैन खान की बहन है। इस समारोह में बॉबी देओल, हेमा मालिनी, ईशा देओल और काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी समेत कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थी। एनिमल एक्टर सफेद शर्ट और काली पैंट में बेहद हैंडसम लग रहे थे। वहीं ईशा, हेमा भी अपने अपने आउटफिट में पार्टी में चार चांद लगा रही थी। इसके अलावा इस पार्टी में काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी भी नजर आई, जिन्होंने ऑफ व्हाइट कलर का खूबसूरत लहंगा पहना था। साथ ही खुले बाल और मिनिमल मेकअप में तनिषा काफी खूबसूरत लग रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।